आज बात करते हैं रिश्तों की। एक फैशन सा हो गया है कि साहब आजकल तो रिश्ते नाते दूर होते जा रहे हैं। अरे ये हमारे ही तो हाथ की बात है कि हम रिश्तों को रखते हैं या नहीं रखते हैं। एक किस्सा याद आ रहा है मुझे, मेरे मित्र ने फ़ोन किया, मनोज जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा सांस ले रहा हूँ। उसने कहा सांस लेना भी कोई काम हुआ? मैंने उनको कहा दोस्त सांस लेने से बड़ा काम कहाँ हो सकता है। सांस लेने की का महत्व तो उस व्यक्ति से पूछो जिसके परिजन बीमार होकर वेंटिलेटर पर पड़े हों और वो परिजन सारे कह रहे हैं कि लाखों रुपया खर्च हो जाए, हमारे इस परिजन की सांस लौटा दो। एक सांस का इतना महत्व होता है दोस्तों। और फिर मैंने उस मित्र को कहा कि तुम कह रहे हो कि सांस लेना भी कोई काम हुआ? अरे जब हम सांस लेते हैं फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन जाती है, हजारों नलिकाओं के द्वारा सारी कोशिकाओं के अंदर जाती है और हमारे शरीर को जीवित रखती है और हमें शरीर को सड़ने से बचाती है। सोचो सांस लेना कितना बड़ा काम हुआ है। लेकिन हमें ये हमारा शरीर हमें ये जतलाता ही नहीं है कि वह हमारे लिए कितना बड़ा काम कर रहा है। चुपचाप किया जाता है, हम जिंदगी भर सांस लेते हैं, हमें कभी शरीर के द्वारा ये जतलाया नहीं जाता है कि वो हमारे लिए कितना बड़ा काम कर रहा है। उसी प्रकार हमारे बुजुर्ग होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो हमें कभी जतलाते ही नहीं है कि उन्होंने हमारे लिए ये किया वो किया। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करते और इतना महत्वपूर्ण काम करते हैं। मुझे कई बार उन युवकों के ऊपर और उन पीढ़ी के उन लोगों के ऊपर हंसी आती है सोच के कि वो ये कहते हैं कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए ये नहीं किया, हमारे माता पिता अगर हमें स्कूल में पढ़ाते तो हम यह बन जाते, हमें यह पहनने को नहीं दिया। मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि एक सनातन सत्य है कि माँ बाप बुजुर्ग उस समय विशेष में उनके पास में जो था उससे अधिक अपने बच्चों के लिए करते हैं। चाहे खुद अभाव देख लेंगे लेकिन बच्चे को उतना जो उनके पास में है उससे ज़्यादा करके वो उसको देते हैं। इसीलिए कभी मत सोचना कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं किया। मुझे ध्यान है जब मैं एक जगह डिप्टी कलेक्टर था, वहाँ पे क्या हुआ कि एक जवान लड़के ने अपने बुजुर्ग पिता की पिटाई कर दी और उसका हाथ तोड़ दिया। मुझे अत्यंत क्रोध आया और कानून के हिसाब से मैंने उसको गिरफ्तार करवा करके और उसको थाने भेज दिया और पिता को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। रात को 11:30 बजे उस दिन मेरे घर की घंटी बजती है तो देखता हूँ कि वह बुजुर्ग जिसके दिन में हाथ टूट गया था प्लास्टर बंधा हुआ मेरे घर पे आता है। तो मैंने कहा उसको कि क्या डॉक्टर तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं कर रहे? तो उसने कहा नहीं नहीं वो तो सब अच्छा हो रहा है, पर मेरा जो पुत्र जिसने मेरा हाथ तोड़ा है ना सर, वह उसको थाने में ले गए हैं, आप जरा थानेदार जी को फ़ोन कर दीजिए कि उसको ज़्यादा मारे नहीं क्योंकि उसको दर्द सहन नहीं होता है। ये होता है बाप का दिल, ये होते हैं रिश्ते। इसलिए रिश्तों की बहुत 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 तरीके से साथ में उनको बना के रखें, बुजुर्गों के साथ बैठें उनसे। वो तो रत्नों और गुणों की खान है, वहाँ से तो हमें कुछ मिलेगा ही मिलेगा, हम कुछ खोएंगे नहीं। इसलिए इनके साथ बैठने का थोड़ा सा समय निकालोगे तो न जाने आपको क्या क्या मिल जाएगा। और ये तो वह मछलियाँ हैं जो आपके प्रेम रूपी जल में तैरती है। हाँ, और ये जब मछलियाँ जब नहीं रहेगी ना तब हम इनको अनंत में समा जाएगी, तब ढूंढेंगे कि अरे वो होते तो कितना अच्छा होता। इसीलिए जब वो हैं तब तो उनके साथ में आनंद के साथ में व्यवहार करो ना। ये एक अजीब सी बात और मैं देखता हूँ रिश्तों के बारे में, प्रसंग लंबा हो रहा है मुझे पता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कहना क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये संदेश सब तक पहुँचे। हुआ क्या कि मुझे किसी ने कहा कि मनोज जी रिटायरमेंट के बाद भी तो आदमी जो है उसकी उपयोगिता कम हो जाती है, एक उम्र के बाद तो ऑफिसर को कर्मचारियों को सरकार भी रिटायर कर देती है तो बुजुर्गों का महत्व फिर ख़त्म हो जाता है। तब मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, मुझे एक बात बताओ कि आप एक रोटी खाते हो, भूख लग रही है, आप रोटी खाते हो, आपको पहली रोटी बहुत बढ़िया लगती, दूसरी रोटी फिर खा लेते हो वो भी अच्छी लगती, तीसरी रोटी तक आपको लगता है अब ठीक चल रहा है, चौथी रोटी में आप सोचते हो लूँ या न लूँ, और पांचवी रोटी पे आप कहते हो अब मेरा पेट भर गया है, क्योंकि अब उस रोटी की आपके लिए उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। परंतु उस रोटी में कोई दोष था क्या? जो पहली रोटी में गुण है वही पांचवी में भी है, लेकिन आपके लिए उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई है तो रोटी में तो दुर्गुण नहीं हुआ ना, आपके लिए अंदर हुआ आ गया कि उपयोगिता ने। इसी प्रकार बुजुर्गों में दुर्गुण नहीं हुआ है, हमारे लिए अगर उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है तो इस तरह हम उनको डिस्कार्ड थोड़ी कर देंगे। सिर्फ एक चीज़ याद रखने के लिए कहूँगा,
जब मनुष्य का जो बच्चा होता है ना, आधा अधूरा पैदा होता है, उसके दांत तक नहीं होते हैं, वो चल नहीं सकता है, वो अगर माँ उसको पाले नहीं, माता पिता पाले नहीं 15 साल तक, वो जीवित नहीं बचेगा इस संसार में। अरे जब ये बुजुर्ग हो जाते तो अब यही सोचो कि अरे अब हमारे को ईश्वर ने ऐसा अवसर दिया है, हमें इनकी सेवा करने का अवसर दिया है, और उनका जैसा स्वभाव है हमें उसके साथ ढलना पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप भाई बहन और आपके बॉस आपकी मर्जी से तय नहीं होते हैं, ये तो आपको इनको निभाना पड़ता है। इसलिए रिश्तों का हम अर्थ समझें और इन बुजुर्गों के साथ हम आनंद से समय बिताएं, उनको खुश रखें, यही आपसे मेरा अपील है।